हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का क्या नाम है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफेंस क्या होता है। डिफेंस अपने आप को बचाने का तरीका। सो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी एंग्जाइटी रिलीव करते हो। ये एंग्जाइटी आपको क्यों होती है? कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जो अनएक्सेप्टेबल है, जिसमें आप अडेप्ट नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इस सिचुएशन में जाना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, तो जो एंग्जाइटी होगी उसको आप दूर करने के लिए आप यूज़ करते हो डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत सारी टाइप्स हैं, आइए हम इनमें से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है? दैट इज़ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनल देना, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए कारण देना, किसी भी चीज़ के लिए बहाना बनाना कि ये क्यों हुआ। अगर हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तो हम उस चीज़ के लिए कारण देते हैं। आपने कॉमन एग्जांपल बहुत सुना होगा, अंगूर खट्टे हैं। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक फॉक्स है जिसे ग्रेप्स नहीं मिल पाते, तो उसके लिए वो क्या कारण देती है कि अंगूर खट्टे थे इसलिए मैंने वो छोड़ दिए। बेसिकली हम जो फेलियर हम कर रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं उस चीज़ में, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हम बहाना दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड। जो हमारी अगली टाइप है उसका क्या नाम है? दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? किसी को ब्लेम करना। इसमें जो पर्सन होता है वो अपनी गलती के लिए दूसरे को ब्लेम करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी गलती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी, बाद में आप ब्लेम करोगे कि वीडियो में सही तरह समझाया नहीं गया। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, अपनी गलती के लिए दूसरे को ब्लेम करना। तो वीडियो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए अब हम अगली टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। अगली हमारे पास दो टाइप्स हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड कंपेंसेशन। सब्स्टिट्यूशन और कंपेंसेशन हम एक साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सिमिलर टर्म्स हैं, इनको हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? जो पर्सन होता है वो सब्स्टिट्यूट ढूंढता है। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है कि अगर हम एक चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या सब्स्टिट्यूट, क्या ऑल्टरनेट है हमारे पास, कि अगर हम एक चीज़ में फेल हो गए तो। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो MBBS करना चाहता था लेकिन MBBS में किसी कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? वो BMS में या नर्सिंग में किसी और वे में मेडिकल फील्ड में जा सकता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है? कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन में क्या होता है? एक पर्सन है जो एक फील्ड में कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो कॉम्पेंसेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो स्टडी में अच्छा नहीं है, अगर वो स्टडी सही से नहीं कर पा रहा है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर लेगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पेंसेशन। सब्स्टिट्यूशन में पर्सन जो होता है सेम फील्ड में कुछ ऑल्टरनेट ढूंढता है, लेकिन कॉम्पेंसेशन में अगर वो एक फील्ड में नहीं कर पा रहा है तो दूसरी फील्ड में करने की कोशिश करता है। ये डिफरेंस है सब्स्टिट्यूशन। अगली जो डिफेंस मैकेनिज्म की हमारे पास टाइप है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डिनाइल। डिनाइल में क्या होता है? डिनाई करता है पर्सन, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा? या उसका लॉस है या कोई फेलियर है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये कॉमन रिएक्शन आपने कहाँ पे देखा हो? अक्सर टीवी सीरियल्स में, मूवीज में आप देखते हो कि किसी की डेथ होगी या कोई फेल हो गया तो वो क्या रिएक्शन देता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। सो दिस इज कॉल्ड डिनायल। एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम फेल हो जाते हैं या हमारा कोई लॉस हो जाता है, तो हम डिनायल यूज़ करते हैं। अगली टाइप को डिस्कस करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम अगली टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। अगली टाइप्स क्या है हमारे पास? रिप्रेशन एंड सप्रेशन। ये दोनों भी हम साथ में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सेम सी हैं, इनमें क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। रिप्रेशन में क्या होता है? रिप्रेशन और सप्रेशन दोनों में हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऐसी चीज़ों को भुला देना चाहते हैं जो हमें पेनफुल लगती हैं, जिसे हमें तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिप्रेशन में क्या होता है? अगर हमारे साथ कोई ट्रॉमा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ है बचपन में जिसे हम भुला देना चाहते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली उसको धीरे धीरे करके भुला देते हैं। बहुत आपने कॉमनली सुना होगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उस पर्सन को कि कोई बात नहीं, टाइम के साथ धीरे धीरे ये चीज़ भूल जाएगा। और सप्रेशन में क्या होता है? सप्रेशन में अगर हम किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो हम क्या सोचते हैं? इसको सप्रेस कर दो, इसको जानबूझ के दबा दो, इसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये डिफरेंस है रिप्रेशन एंड सप्रेशन में। टाइप्स हमने साथ में पढ़ी, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज थी। अब हम दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ये टाइप्स दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास, इसमें क्या है? ये है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है? पर्सन चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करता है। चाइल्ड लाइक बिहेवियर मतलब कि अगर उसको कोई लॉस हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो टेंपर टेंट्रम करेगा या रोने की कोशिश करेगा, इमोशनल होगा, इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन।
सेकेंड जो हमारे पास टाइप है इसका नाम है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, पर्सन अपना आईक्यू इंटेलिजेंस अपनी यूज़ करता है और फिर उस सिचुएशन के साथ डील करता है। ये एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो पर्सन क्या करेगा, फ्यूनरल की तैयारियां करेगा रेदर देन उस पर इमोशनल होना या रोने की बजाय वो इंटेलिजेंस यूज करेगा कि अब मुझे आगे क्या करना। टाइप है हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म की, वो क्या है, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, पर्सन अपोजिट रिएक्शन शो करता है, जैसा वो फील कर रहा है उससे जस्ट अपोजिट वो रिएक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहू है, उसकी अपनी सांस से नहीं बनती है, सो अगर उसके घर पे लोग आते हैं तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन करती है, वो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन शो करती है उनके सामने, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा केयर करना, उनके लिए खाना पानी सब देना, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें पर्सन अपोजिट रिएक्शन शो टाइप है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कॉमनली यूज होती है डेली लाइफ में। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक पर्सन का जो गुस्सा है या जो भी इमोशन है वो दूसरे पर्सन के ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बीवी ने पति को बेचारे को डांट दिया तो बीवी पे तो गुस्सा निकलता नहीं है, तो वो गुस्सा कहाँ निकलेगा, वो बच्चों के ऊपर निकलेगा। तो जो बीवी का गुस्सा था वो डिस्प्लेस हो गया बच्चों के ऊपर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक पर्सन के इमोशन दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर कर देने, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। आपके कुछ भी थॉट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।